दोस्तों गेमिंग लैपटॉप चाहिए आपको, आपका बजट है 65,000 या फिर उससे कम, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ मैं ऐसे लैपटॉप्स के बारे में बताऊंगा जो शायद से आपको 60,000 के अंदर भी मिल सकता है, 65,000 के अंदर भी मिल सकता है। प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इंटेल पावर्ड जो गेमिंग लैपटॉप्स है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं i5 की 9th जनरेशन के कौन सी लैपटॉप्स है जो 65,000 के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी, वो सभी बताएंगे वीडियो के अंदर। तो चलिए किक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हैं फ्रेश अपडेट्स। कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक जरूर प्रेस करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नए हो चैनल पे तो नीचे सब्सक्राइब रेड बटन है प्रेस करो, साइड में जो घंटी है प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आप फ्रेश अपडेट से मिस ना करें। तो देखो लैपटॉप्स के भंडार है, भरमार है मार्केट के अंदर, बट स्टिल फ्यू लैपटॉप्स आर देयर जो कि आप लोग को 65,000 के अंदर देखने को मिलेगा। तो पहला जो लिस्ट में लैपटॉप है वो है एसर की तरफ से, एसर नाइट्रो 5 जिसका मॉडल नंबर है AN51554। ये वाले लैपटॉप की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी लैपटॉप है, बहुत ही तगड़ी डिस्प्ले है इसके अंदर, IPS डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलेगी, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है। रिजोल्यूशन की बात करें तो 1080p की फुल HD रिजोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में आप लोगों को यहां पे इंटेल i5 के 9th जेन देखने को मिल जाती है जो कि है 9300H। और यहां पे बात कर रहे रैम की तो 8GB की रैम आप लोगों को देखने को मिलेगी, 1TB प्लस 256GB की आप लोगों को SSD की कॉम्बो स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहां पे स्टोरेज में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। रैम की अपग्रेडेबिलिटी की बात करें तो यहां पर आप जो इसको अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32GB तक। तो रैम टाइप की बात करें तो DDR4 की यहां पर रैम यूज की गई है। और ग्राफिक्स की बात अगर करते हैं तो यहां पे 1650 की GTX NVIDIA की तरफ से आप लोगों को देखने को मिल जाती है जो कि 4GB की ग्राफिक्स है जो कि आपके गेमिंग या फिर एडिटिंग टास्क को इजीली हैंडल कर सकता है। बहुत ही हाई एंड नहीं कहूंगा मैं, बट स्टिल इट कैन हैंडल। अगर आप लोग 65,000 का बजट रखते हो तो आपके लिए ये परफेक्ट। इस लैपटॉप की कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि यहां पे हार्ड डिस्क जो यूज किया गया है यहां पे आप लोगों को 7200 RPM की स्पीड देखने को मिल जाती है। कनेक्टिविटी में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, यहाँ पर सारे पोर्ट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। RJ45 की पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, डुअल बैंड वाईफाई की सपोर्ट है ताकि आप लोगों को कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आएगी। और एग्जॉस्ट भी बहुत ही अच्छी है इसकी, अगर कूलिंग की बात करें तो कूलिंग भी बहुत ही अच्छी खासी कर देता है। और बैटरी बैकअप यहाँ पे कंपनी क्लेम कर रहा है 11 आवर्स तक की बैटरी बैकअप देगा, तो बैटरी के मामले में भी ये अच्छा खासा काम करेगा एज इट इज ए गेमिंग लैपटॉप। तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो ये वाली लैपटॉप लोग 65,000 के अंदर देखने को मिल जाएगी Amazon इंडिया के अंदर। अगला जो लैपटॉप है दोस्तों वो है Lenovo की तरफ से, Lenovo Y540। इस वाले लैपटॉप की प्रोसेसर की अगर बात करें यहाँ पर भी हम लोग i5 की 9th जेन की 9300H आप लोग को देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। यहाँ पर आप लोग 4 कोर्स देखने को मिलती है। L3 कैश की बात करें तो 8MB की L3 कैश आप लोग को देखने को मिलेगी। और ये सब लैपटॉप जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ i5 9th जनरेशन 9300H के साथ, यहाँ पे जो बेस फ्रीक्वेंसी है ये 2.3GHz की बेस फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे अगर टर्बो बूस्ट करते हो इसको तो 4.1GHz तक ये जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी एक प्रोसेसर है जहाँ पे आप लोगों को 4 कोर्स देखने को मिल जाते हैं जो आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देगा। साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं रैम की, इस लैपटॉप के अंदर Lenovo Y540 के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे 8GB का रैम जो कि एक्सपांडेबल है, जिसको आप लोग एक्सपांड कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को जो है देखने को मिलता है 1TB प्लस 256GB की कॉम्बो स्टोरेज जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी है। अगर आप लोग चीज़ों को स्टोर करना चाहते हो, बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग करना चाहते हो, तो वहाँ पे SSD काम करेगा और स्टोरेज के लिए 1TB HDD बहुत अच्छी आपको हेल्प करने वाला है। तो ये वाली लैपटॉप की अगर बात करते हैं ग्राफिक्स की, तो यहाँ पे भी आप लोग को 1650 की GTX देखने को मिल जाती है जो कि 4GB की DDR5 ग्राफिक्स है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो सारे लैपटॉप्स के अंदर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से आप लोग को देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात आप लोग को नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले की, यहाँ पर भी आप लोग को 15.6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि फुल HD IPS डिस्प्ले है जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और यहाँ पे जो Lenovo की बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही तगड़ी होती है। साथ ही साथ इसके कूलिंग जो है ना Lenovo की, मैं 100% बता दे रहा हूँ, कूलिंग बहुत ही अच्छा होता है Lenovo की लैपटॉप्स के अंदर। अगर इसके रिव्यू भी देखें आप लोग को बहुत ही अच्छा रिव्यू देखने को मिलेगा। ये वाली लैपटॉप भी आप लोग को 65,000 के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाएगा जो कि फ्लक्चुएट होते रहता है, जो आप लोग चेकआउट कीजिएगा, नीचे इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। उसके बाद दोस्तों आता है HP की तरफ से, HP Pavilion Gaming जो चाहते हैं HP का लैपटॉप इस बजट के अंदर 65,000 के अंदर, तो उनके लिए दोस्तों यहां पर जो है HP की तरफ से HP Pavilion Gaming का एक लैपटॉप है
है जहाँ पे उनको मिलता है आई फाइव की 9 जनरेशन की प्रोसेसर जो कि 9300H है। और यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ रैम की तो यहाँ पर भी 8GB की रैम यूज़ की गई है, लेकिन यहाँ पे जो दो मॉडल में आता है एक थोड़ा प्राइजी हो जाता है SSD वाला मॉडल जो कि 512GB SSD के साथ आता है और 1TB HDD के साथ आता है। अगर HDD की मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप लोग को GTX की 1650 की 4GB ग्राफिक्स देखने को मिलती है, 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। तो सारी चीज़ें जो है ना नॉर्मल लैपटॉप्स की तरह ही है, यहाँ पर भी आप लोग को सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी HP की अच्छी है, कूलिंग भी यहाँ पे अच्छी खासी कर देता है। और बैटरी लाइफ की बात करें तो इस लैपटॉप के अंदर आप लोग को मैक्सिमम जो है नॉर्मल टास्किंग में 5 घंटे की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी। अगर आप लोग गेमिंग वगैरह करते हो तो 1.5 या फिर 2 आवर्स तक की मैक्सिमम आप लोग को बैटरी बैकअप देखने को मिल सकती है। लेकिन जो 512GB का वेरियंट है उसके अंदर दोस्तों आप लोग को सेम ही 1650 की 4GB ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे दोनों के दोनों लैपटॉप्स की अगर बात करें तो दोनों में आप लोग जिसमें SSD है वहाँ पे आप लोग को जो है HDD की स्लॉट MT देखने को मिल जाएगी, और जहाँ पे HDD है M.2 की स्लॉट MT देखने को मिल जाएगी। तो अपग्रेडेशन ऑप्शंस दोनों में ही अवेलेबल है। दोनों के अंदर आप लोग जो है रैम को अपग्रेड कर सकते हो, ये एक अच्छी ऑप्शन है। अगर HP का लैपटॉप चाहते ही हो तभी लो, नहीं तो मैंने दो ऑप्शंस आपको बताए, वहाँ आप लोग शिफ्ट कर सकते हो। अगला लैपटॉप जो है दोस्तों वह Asus की तरफ से Asus FX505GT। तो ये वाली लैपटॉप जो है Flipkart के अंदर अवेलेबल है। इसकी अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये 144Hz की डिस्प्ले के साथ आता है, और जितने भी मैंने पहले लैपटॉप देखा है सारे आप लोग को वहाँ पे 60Hz की डिस्प्ले के साथ ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 144Hz के साथ है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो ठीक ठाक है दोस्तों। उतनी आप कलर एक्यूरेसी अगर चाहते हो तो ये वाली लैपटॉप उतनी ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले के साथ नहीं आती है, बट 15.6 इंच की आप लोग को फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि आप को जो है गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा। कलर रिप्रोडक्शन में थोड़ी बहुत, अगर आप लोग प्रोडक्शन क्वालिटी चाहते हो, बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्शन आप करते हो वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइन, तो ये लैपटॉप आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। अगर गेमिंग करना चाहते हो तो परफेक्ट है 144Hz डिस्प्ले के साथ। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों इंटेल की तरफ से इंटेल i5 9 जनरेशन 9300H यूज़ किया गया है, जहाँ पर बेस फ्रीक्वेंसी 2.6 GHz की देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर टर्बो बूस्ट अगर करते हो तो 4.1 GHz तक की आप लोगों को स्पीड देखने को मिल जाती है। और रैम की बात करें तो रैम यहाँ पर 8GB की रैम है, और ये 2666 MHz की फ्रीक्वेंसी वाली रैम है, DDR4 की रैम जो कि आप लोग जो है एक्सपांड कर सकते हो अप टू 32GB। यहाँ पे आप लोग एडिशनल जो है स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आप लोग इजीली अपग्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को 512GB की SSD की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ एडिशनल आप लोग जो है HDD डाल सकते हो अगर आपको स्टोरेज की ज़्यादा नीड है तो ये वाली लैपटॉप भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर भी NVIDIA की तरफ से NVIDIA GTX 1650 यूज़ की गई है जो कि 4GB ग्राफिक्स है। तो ये वाली लैपटॉप भी तो देखने को आपको मिल जाएगी 64,990, तो ये 65,000 के प्राइस ब्रैकेट के अंदर ही आप लोग को ये मिल जाएगा, और ये बिल्कुल ही एक खराब लैपटॉप नहीं है दोस्तों। बिल्कुल ही जा सकते हो Asus की तरफ से ये वाली लैपटॉप, बिल्कुल ही मुझे अच्छा लगा 65,000 के अंदर। अभी के सिनारियो के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो सब प्राइसेस हाई है, तो इन हाई प्राइसेस को देखते हुए अगर बात करें तो ये वाली प्राइस जो है अभी के लिए परफेक्ट है दोस्तों। मैंने जैसे कहा था आप लोगों को 60,000 के अंदर भी अगर आप लोगों को चाहिए दो लैपटॉप मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन के साथ आ जाती है जो कि आप लोग बाय कर सकते हो जो कि इंटेल के साथ आता है। यहाँ पे कोई भी AMD लैपटॉप के बारे में नहीं बताऊंगा, AMD के लिए अलग वीडियो आने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ इंटेल पावर लैपटॉप के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट लैपटॉप 60,000 के प्राइस ब्रैकेट के आसपास अगर बात करें तो यहाँ पे MSI की तरफ से MSI GF63 थिन ये वाली लैपटॉप जो है मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे 15.6 इंच की आप लोगों को फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाए, क्लोज टू 100% यहाँ पे sRGB देखने को मिलती है जो कि अगर आप लोग डिजाइनिंग फील्ड से हो, ग्राफिक्स डिजाइनिंग करते हो, या फिर आप एनिमेशन वगैरह करना चाहते हो, या फिर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो जहाँ पे कलर जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो ये वाली लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पे अगर बात करते हैं बैटरी लाइफ की जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक क्रिएटर के लिए, तो देखो यार यहाँ पे नॉर्मल यूसेज के अंदर आप लोग को 5 घंटे की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी। हैवी टास्क करोगे, रेंडरिंग वगैरह करोगे तो मैक्सिमम 2.2 आवर्स या फिर 2.5 आवर्स तक जा सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे प्रोसेसर की, यहाँ पर भी आप लोगों को i5 की 9 जनरेशन देखने को मिल जाएगी 9300H, और साथ ही साथ यहाँ पर 8GB की रैम है कि अप टू 32GB आप लोग एक्सपांड कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग को SSD वर्जन देखने को मिलता है 512GB की SSD, साथ ही साथ यहाँ पर एडिशनल स्लॉट्स है जहाँ पर आप लोग इसको जो है अपग्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इस लैपटॉप के अंदर, और ग्राफिक्स जो है यहाँ पर यूज़ किया गया 1650 की मैक्स क्यू ग्राफिक्स जो कि 4GB की आप लोग को देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर वेट जो है लैपटॉप
लैपटॉप की। तो ये गेमिंग लैपटॉप है, फिर भी इसकी वेट जो है अंडर 2 केजी है दोस्तों, 1.86 केजी इसकी वेट है। तो आपको जो है उतनी ज्यादा हैवी नहीं लगेगा, अगर आप इसको कैरी वगैरह करते हो तो आपको कोई उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वाली लैपटॉप मुझे 100% कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे यहाँ पे MSI का सर्विस है तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपके वहाँ पे एरिया के अंदर आप देख लीजिएगा MSI की सर्विस अगर है तो 100% ये आप ले सकते हो। और ये पैन इंडिया कहीं पर भी ले जाओ ये लैपटॉप, आप वहाँ पे सर्विस करा सकते हो। बट अगर घर के सामने होता है तो अच्छी बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके एरिया में है तो बेची जगह में MSI के साथ जाओ, कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो प्राइस की अगर बात करें तो ये वाली लैपटॉप लोगों 61,000 या फिर 60,000 के अंदर देखने को मिलता है। ये फ्लक्चुएट होते रहता है सेल के दौरान, 59,000-58,000 ऐसा ही कुछ फ्लक्चुएट होते रहता है। तो देख लेना यार, लिंक मैं ऐड कर दूंगा, आप लोग को अगर पसंद आता है तो वहां से आप लोग परचेस कर सकते हो। तो लैपटॉप है वो है Acer की तरफ से Acer Aspire 7 दोस्तों। ये वाली लैपटॉप बहुत ही अच्छी एक लैपटॉप है, जो कि बेस्ट सेलर लैपटॉप था कुछ दिनों पहले, जब सेल था वहां पर भी बेस्ट सेलर था, उससे पहले जब लॉन्च हुआ था तब भी बेस्ट सेलर था। तो ये वाली लैपटॉप लोग परचेस कर सकते हो। यहाँ पे अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसर जो है यूज किया गया है वही सेम i5 के 9 जनरेशन, जितने भी लैपटॉप्स मैंने बताया सारे i5 9 जनरेशन के साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वाले लैपटॉप के। अगर रैम की बात करें 8GB की रैम है, जो कि आप लोग एक्सपांड कर सकते हो फर्दर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टोरेज की, तो स्टोरेज के अंदर आप लोगों को सिर्फ 512GB की SSD देखने को मिल जाती है। तो SSD जो है ये अपग्रेडेबल है, लेकिन यू हैव टू स्वैप दैट, उसको जो है आप रिप्लेस कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी यहाँ पे एडिशनल स्लॉट नहीं है, यहाँ पे कोई HDD की भी स्लॉट आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। यही एक फ्लॉ है इस लैपटॉप के अंदर, अलग कुछ यहाँ पे चीज़ नहीं है जो कि मैं कहूँ यहाँ पे ख़राब है। अगर मैं बात करता हूँ इसके डिस्प्ले की, तो 15.6 इंच की आप लोगों को फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस आप लोगों को दे देगा। ये वाली लैपटॉप की अगर मैं ग्राफिक्स मॉड्यूल की बात करूँ, तो यहाँ पर दोस्तों यूज़ किए गए सेम आप लोगों को 1650 की GTX, जो कि 4GB की ग्राफिक्स है। तो गेमिंग रिलेटेड रिलेटेड चीजें आप लोग अगर करना चाहते हो, जो कि ये लैपटॉप इजीली हैंडल कर लेगा। और अगर मैं बात करता हूं इसकी बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ देखो यार, यहां पर 5 घंटे तक की आप लोगों को नॉर्मल यूसेज के अंदर बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी, और गेमिंग वगैरह में 2 घंटे की बैटरी बैकअप आप लोगों को देखने को मिल जाती है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की, तो डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर ठीक ठाक है दोस्तों, उतना भी बहुत ही खास डिस्प्ले नहीं है। यहां पर आप लोग इसको यूज कर सकते हो, बट इसकी प्राइस जो है बहुत ही अट्रैक्टिव है, जो कि आप लोग को अंडर 60,000 ही देखने को मिल जाती है। तो अगर आपका बजट 60,000 तक सीमित है तो ये वाली लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट है। जाकर और स्पेसिफिकेशन के लिए नीचे लिंक दिया है, वहां से जाकर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आई होप जितने भी लैपटॉप्स मैंने बताए सारे के सारे i5 9 जनरेशन के साथ मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको और कुछ लैपटॉप्स के बारे में पता है तो जरूर मुझे बताइएगा, वो भी मैं लिस्ट कर दूंगा यहाँ पर। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर प्रेस करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, पुराने वीडियोस को जाकर चेकआउट करो, वो अच्छे लगे तो जाकर नीचे जो है ना लाइक का बटन है प्रेस करना, उसके बाद सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ।